पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव की खूब चर्चा हो रही है। हाल ही में पीएम मोदी लक्षद्वीप गए थे, जहां से उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल भी हो रही हैं। यही नहीं, समंदर और बीचों की खूबसूरती को लेकर भारत में मालदीव और लक्षद्वीप के बीच तुलना शुरू हो गई है। तुलना इसलिए क्योंकि खुद पीएम मोदी ने भी देशवासियों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की थी। देखते देखते ये बात इतनी बढ़ गई कि सोशल मीडिया पर लोग मालदीव की तुलना में लक्षद्वीप को ज्यादा महत्व देने की बात कहने लगे। मालदीव और भारत के संबंध पहले से ही तनाव में है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर पीएम ने फोटोज शेयर की और फैंस से लक्षद्वीप की सैर करने का आग्रह किया। इस बात से मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला महजूब माजिद को यह बात रास नहीं आई और उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भारत हमें निशाना बना रहा है। उन्होंने लिखा कि टूरिज्म के मामले में मालदीव के साथ कंपटीशन के लिए भारत को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस मामले पर अब बॉलीवुड भी पीछे नहीं रहा। अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान तक कई बड़े एक्टर्स अब इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मालदीव के प्रमुख पब्लिक फिगर द्वारा भारतीयों पर की गई कुछ हेटफुल और रेसिस्ट कमेंट के बारे में पता चला। ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो ऐसा उस देश के साथ कर रहे हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा संख्या में टूरिस्ट भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे हैं, लेकिन बिना किसी कारण फैलाई गई नफरत को क्यों बर्दाश्त करें। मैं कई बार मालदीव गया हूं और हमेशा यहां की तारीफ की है, लेकिन अब डिग्निटी पहले है। आइए अब हम भारतीय द्वीपों को एक्सप्लोर करने का निर्णय लें और अपने टूरिज्म को सपोर्ट करें। सलमान खान ने भी एक्स पर पोस्ट किया और भारत के टूरिज्म को सपोर्ट किया है। एक्टर ने लिखा, लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखना बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे भारत में है। जॉन अब्राहम ने सुंदर भारतीय समुद्र तटों की तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा कि अद्भुत भारतीय हॉस्पिटैलिटी अतिथि देवो भव के विचार और विशाल समुद्री जीवन की खोज के साथ लक्षद्वीप जाने लायक जगह है। जहां बॉलीवुड एक्टर्स अपनी राय रख रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा है। खबरों के मुताबिक लोगों का कहना है कि टूरिज्म पर निर्भर मालदीव को भारत की ताकत का अंदाजा नहीं है। इतना ही नहीं, कई लोग हैं जो मालदीव के अपने टूर को कैंसिल कराकर लक्षद्वीप की ओर रुख कर रहे हैं।